हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, न्यू ईयर आने वाला है तो उसी की थीम पर मैंने ये आर्ट वर्क बनाया था, वो भी मेरे खुद के स्टाइल में। सो आज मैं बताऊंगा कि आप इस एडिटिंग को कैसे कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। अब वीडियो को और ज़्यादा लंबी ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको सिंपली कुछ इस टाइप से फ़ोटो क्लिक कराना होगा और उसको पिक्सआर्ट में ला के उसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना। और अब मैं इस इमेज को ड्रॉ टूल में ओपन कर लेता हूँ। अब फोटो लेयर में जाके यहाँ से दोस्तों मैं बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लूँगा। यहाँ पर इस बैकग्राउंड को भी दोस्तों मैंने ही बनाया था और ये एक फुल HD बैकग्राउंड है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं इस इमेज को मॉडल PNG के नीचे प्लेस कर दूँगा और अब 3 डॉट में जाके इस मॉडल PNG को मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। और अब बैकग्राउंड इमेज को हाइड करके इस एडजस्ट की हुई मॉडल PNG को भी सेव कर लूँगा, क्योंकि दोस्तों इस PNG को भी हम बाद में यूज़ करेंगे। और फिर से बैकग्राउंड इमेज का सी ऑन करके ड्रॉ टूल से बाहर आ जाऊंगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को सिर्फ रेफरेंस के लिए ऐड किया है ताकि हम मॉडल PNG की एडजस्टमेंट कर पाएँ ठीक से। अब टूल्स में जाकर एडजस्ट में, यहाँ से दोस्तों मैं इसकी सेचुरेशन को -18 कर लेता हूँ, हाईलाइट्स को डिक्रीज करके -20 कर दूंगा और शेडोज़ को -11 और सिंपली डन कर दूंगा। अगेन टूल्स में जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं कि लाइट की डायरेक्शन ये है, तो हमारा इतना बॉडी का पार्ट डार्क होना चाहिए, तो उसके लिए मैं इसकी ब्राइटनेस को डिक्रीज कर लेता हूँ। अब इरेज में जाकर मैं इसको इन्वर्ट कर लूँगा और एक सॉफ्ट पेंट ब्रश के साथ इसको मैं अपनी बॉडी पर अप्लाई कर देता हूँ। ब्राइटनेस की वैल्यू को मैं -38 कर दूंगा और सिंपली डन कर देता हूँ। अगेन टूल्स में जाकर अब की बार दोस्तों हम इसमें हाईलाइट्स ऐड करेंगे, उसके लिए मैं इसकी ब्राइटनेस को 100% कर लेता हूँ और इरेज में जाकर मैं इसको इन्वर्ट कर लूँगा और अपनी बॉडी के एजेस पर इसको अप्लाई कर दूँगा एक सॉफ्ट पेंट ब्रश के साथ। आपको दोस्तों यहाँ पर बड़े ही ध्यान से करना होगा, यहाँ पर ऐसा लगना चाहिए कि सनलाइट हमारी बॉडी से हीट होकर हमारी बॉडी की एजेस ग्लो कर रही हैं, तो इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से इसको अप्लाई कर देना। ऐसा आपको पूरी अपनी बॉडी पर करना होगा। और फिर सिंपली डन कर देना। आपको फिर से टूल्स में आ जाना होगा और अब की बार इसकी ब्राइटनेस को -100 कर लेना और शेडोज को भी, और इरेज में जाकर इसको इन्वर्ट कर लेना और दोस्तों अपने शू की एजिस पर इसको अप्लाई करना होगा नीचे की तरफ से, ताकि जब हम यहाँ पर शेडो क्रिएट करेंगे मॉडल PNG की तो उसमें थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा। और फिर से सिंपली डन कर देना। अब दोस्तों आपको फिर से ड्रॉ टूल में आ जाना होगा और लेयर्स में जाके फोटो लेयर सेलेक्ट करना और जो दोस्तों हमने मॉडल PNG सेव की थी उसको यहाँ पर एज इट इज ही ले आना और इस एम्प्टी लेयर में कोई भी एक कलर फिल कर देना और इस मॉडल PNG वाली लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करके नॉर्मल से एग्जॉर कर देना और ऊपर वाली दोनों लेयर्स को मर्ज भी कर लेना और अगेन इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करके एग्जॉर कर देना और इन दोनों लेयर्स को भी मर्ज कर देना। आप देख सकते हैं जो हमने एडजस्टमेंट की थी और हाईलाइट्स अप्लाई की थी वो सिर्फ मॉडल PNG तक ही लिमिट हो चुकी हैं। अब मैं इस मॉडल PNG को भी सेव कर लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लूँगा और सिंपली ड्रॉ टूल से बाहर आ जाऊँगा। दोस्तों, मैं मॉडल PNG को ऐड फोटो में जाके ऐड करूँगा, क्योंकि वहाँ से हम एडिशनल एडजस्टमेंट और फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं मॉडल PNG पर। अब ऐड फोटो में जाकर दोस्तों मैं यहाँ पर एडजस्ट की हुई मॉडल PNG को ले आता हूँ। दोस्तों, हमें यहाँ पर इस मॉडल PNG का साइज़ छोटा करना होगा, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। और अगेन मैं इस मॉडल PNG की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। मैं इसकी सेचुरेशन को डिक्रीज करके -14 कर दूँगा और हाइलाइट्स को +15 और सिंपली डन कर दूंगा। अब प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से दोस्तों मैं ये दो शेडोज़ की PNG हैं इनको यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इन PNGs को आपको मॉडल PNG की शेडो की तरह यूज़ करना होगा और सिंपली एडजस्ट कर लेना और मॉडल PNG के नीचे प्लेस करने के लिए लेयर्स में जाके इस PNG को मूव डाउन कर लेना और इस PNG की ओपेसिटी भी कम कर लेना
और सिंपली सेकंड शेडो पीएनजी को भी इसी तरह एडजस्ट कर लेना। और इसको भी मूव डाउन करके इसकी ओपेसिटी कम कर लेना। और सिंपली डन कर देना। और फिर से ऐड फोटो में जाकर अब की बार दोस्तों आपको ये फॉग पीएनजी ऐड करनी होगी और इसको भी इस इमेज के बॉटम एरिया में एडजस्ट कर लेना सिंपली जिस तरह मैं कर रहा हूँ। हमारा पिक्सआर्ट का वर्क तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ। आपका भी दोस्तों कोई लोगो या सिग्नेचर हो तो आप उसको भी जरूरी से ऐड कर लिया करें। और ड्रॉ टूल में आके इस इमेज को भी मैं सेव कर लूँगा। और इसकी कलर ग्रेडिंग दोस्तों हम लाइटरूम में करेंगे। अब दोस्तों हम लाइटरूम में आ चुके हैं। अब लाइट्स में जाकर थोड़ा हेज इफेक्ट देने के लिए मैं इसके कॉन्ट्रास्ट को -16 कर लेता हूँ। अब कलर में जाकर यहाँ से मैं इसका टिंट अमाउंट ऐड कर लेता हूँ +12। इसकी सेचुरेशन को भी डिक्रीज करके -9 कर दूंगा। अब मिक्स में जाकर रेड कलर की ल्यूमिनेंस को मैं +12 कर लूँगा। ऑरेंज कलर की सेचुरेशन को -15 कर दूँगा। येलो कलर की ल्यूमिनेंस को +21। ग्रीन कलर की सेचुरेशन को -40 करके इसकी ल्यूमिनेंस को +20 कर लूँगा। एक्वा कलर की ल्यूमिनेंस को भी +24। और ब्लू कलर की ल्यूमिनेंस को +22 करके मजेंटा कलर की सेचुरेशन को +10 कर दूँगा। अब इफेक्ट्स में जाकर यहाँ से मैं इसमें टेक्स्चर ऐड कर लेता हूँ +22। और क्लैरिटी को भी ऐड कर लेता हूँ +12। और इसमें ग्रेन अमाउंट ऐड करके इसके साइज़ को मैं 0 कर दूंगा। अब डिटेल्स में जाकर इसकी शार्पनेस को इंक्रीज कर लूंगा। नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज कर दूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कलर ग्रेडिंग के बाद काफ़ी इफेक्ट आया इस एडिटिंग पर। दोस्तों हमारी एडिटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। और इस चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोस को आप मिस ना कर पाएं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।